बड़े केस का बड़ा फैसला सामने आया है, 10-10 साल कैदे बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, साइफर केस में आज बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की कैद जो है वो सुना दी गई है। और ये जो सजा सुनाई गई है ये सिर्फ 10 साल की कैद नहीं बल्कि कैद बामुशक्कत होगी। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जज अबुल हसनात जुलकरनैन ने समाअत के बाद ये मुख्तसर फैसला अब सुना चुके हैं। ये काफी अर्से से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी के खिलाफ साइफर का केस चल रहा था, पहले ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर था और फिर अडयारा जेल के अंदर जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस जाकर इस केस की समाअत करते थे। वहां पर सहाफियों के साथ कुछ लोगों को भी जाने की परमिशन थी और इस केस की जो है वो बाकायदा तौर पर अडयाला जेल से भी कवरेज की इजाजत ली गई थी जजेस से, और उसके बाद जो है वो सहाफी और वकला को अंदर जाने की इजाजत मिली थी। इस केस की तमाम तर समाज के दौरान जो है वो सहाफी और वकला की बड़ी तादाद वहां पर हमेशा से मौजूद रही है। गुज़िश्ता कई दिनों से इस केस के केस जो है ये हतमी मराहल में दाखिल हो चुका था, वकला के दलाइल जो है वो मुकम्मल हो चुके थे और तमाम तर गवाहों के बयान भी कलमबंद किए जा चुके थे। और उसके बाद आज मुख्तसर फैसला जो है वो अभी तक सुनाया गया और उसमें 10-10 साल की कैद शाह महमूद कुरैशी को और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी सुनाई गई है। अब देखना यह है कि जो सजा सुनाई गई है इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और शाह महमूद कुरैशी और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील का जो है वो अगला लायामल क्या होगा, क्या इस मामले को इंटर कोर्ट अपील जो है वो इस पर दायर की जाएगी या आया इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो है वो चैलेंज किया जाएगा इस फैसले को। लेकिन फिलहाल के लिए एक बड़ी खबर जो है वो सामने आई है और इलेक्शन से चंद रोज कबल ये एक बड़ा जो है वो फैसला हाईकोर्ट का सामने आया है और जज जुलकरनैन ने जो है अबुल हसनात जुलकरनैन ने 10-10 साल की दोनों रहनुमाओं को जो है वो कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी।